इस समय हम लोगों पे मेस्ट्रो एजे 2017 मॉडल गाड़ी आ रखी है। तो इस गाड़ी में दिक्कत ये है कि ये गाड़ी इंजन ऑयल मतलब 1 लीटर 800 ml इंजन ऑयल डालना है तो 15 से 20 दिन में ये इंजन ऑयल पूरा ख़त्म कर दे रही है। अब इस गाड़ी में हम लोग ये देखेंगे कि इसमें हाफ इंजन करना है या फुल इंजन करना है। हाफ इंजन में हम लोग हेड सिलेंडर उतारेंगे, उसके बाद हम लोग क्रैंक में चाल देखेंगे। यदि क्रैंक में चाल नहीं होगी तो इस गाड़ी का हाफ इंजन होगा, यदि क्रैंक में चाल होगी तो इस गाड़ी में फुल इंजन होगा। तो आगे की प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, आप लोग देख सकते हैं कि इस समय जो इंजन की कंडीशन है बिल्कुल मट्टी से सना हुआ है। कुछ कारण तो शायद इंजन खराब होने का यह है कि जो मट्टी बिल्कुल सनी हुई है ये एयर फिल्टर के रास्ते इंजन में जाती है। तो हम लोगों को बताना है कस्टमर को या लोगों को कि भाई बीच बीच में आप लोगों को इस गाड़ी की धुलाई प्रॉपर ढंग से करानी चाहिए। ये बिल्कुल मतलब इंजन बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये जो मट्टी है इसके चक्कर में भी आपका इंजन खराब होता है क्योंकि ये एयर फिल्टर के रास्ते ये मट्टी अंदर जाती है, ये बोरिंग काट देती है। अब हम लोगों ने इस गाड़ी में हम लोगों ने चेक किया है तो क्रैंक में नामात्र की चाल है। आप देख सकते हैं कि नामात्र की चाल है। तो हम लोग इसमें इस गाड़ी में हाफ इंजन ही करेंगे, फुल इंजन नहीं करेंगे। इसमें हाफ इंजन नहीं का हाफ इंजन की प्रोसेस करेंगे कि अंदर। और आप देख सकते हैं कि ये पिस्टन सीज मारा हुआ है। पिस्टन सीज इसलिए मारा हुआ है कि कभी इस गाड़ी में इंजन ऑयल ख़त्म हुआ होगा तो ये सूखी चली होगी। सूखी चलने के चक्कर में इसने बोरिंग पूरा काट दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ हमारे होनी है पिस्टन बोरिंग की प्रोसेस। ये हमारे पास इसका पुराना पिस्टन है, ये हमारे पास इसका नया पिस्टन है। यहाँ हमारी चल रही है इसमें हेड में क्लीनिंग, सेंटर में हमने इसमें क्लीनिंग कर दी है। तो ये हमारे पास इसका नया पिस्टन है। तो जो पुरानी वाल थी गाड़ी की वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप इनकी कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो अभी हमारी जो सिलेंडर में कटिंग का काम है वो चल रहा है, इसमें 5 से 7 मिनट का टाइम लगना है। तो अभी हम इसमें जो वाल ग्राइंड है वो इसमें करेंगे। अभी हम जो इसकी वाल है इनकी फिटिंग कर रहे हैं इसमें। तो ये हमारे पास सिलेंडर में कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसमें इस वाली मशीन में पॉलिशिंग की जाएगी। तो अभी हमने इसमें जो वाल थी वो ग्राइंड कर दी हैं। जो सिलेंडर था हमारा उसमें हमने पॉलिशिंग और बोरिंग का काम किया है। तो अभी मैं आपको एक बार इसमें जो पिस्टन है उसमें स्मूथनेस इसमें चेक करा देता हूं। तो आप ये चेक कर सकते हैं जो स्मूथनेस है पिस्टन में वो कितने प्रॉपर तरीके से इसमें बोरिंग का काम हुआ है। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। पिस्टन बोरिंग और वाल का काम कंप्लीट हो गया है। अब हमारे जो रईस भाई हैं जो मिस्त्री साहब हैं हमारे, वो अब पिस्टन में रिंगों की सेटिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने हेड और सिलेंडर और जो आपका टैपेट है पेट्रोल से बढ़िया करके सफाई हम लोगों ने इसमें कर दी है। अब हम इसमें फिटिंग की प्रोसेस कर रहे हैं। तो अभी जो फिटिंग थी हमारी तो हमने कंप्लीट कर दिया इसमें। इसमें हमने अभी हाफ इंजन का काम कंप्लीट कर दिया है। अब ये गाड़ी एक बार इसमें ट्राई की जाएगी गाड़ी की। तो गाड़ी में जो धुएं का जो प्रॉब्लम था पहले, अब वो गाड़ी में बिल्कुल धुआं नहीं है। तो आप ये चेक कर सकते हैं। तो
जो इंजन का काम हुआ है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हुआ है गाड़ी में।